एक आंदोलनकारी हूँ और जन आंदोलनों का राजकीय समन्वय जो देश में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, उनका एक संगठन है, 1992 में बना था, मैं उसका राष्ट्रीय समन्वयक हूँ। अंबेडकरवादी लेखक संघ ने मुझे आज सम्मान दिया है। मैं बहुत असहज महसूस कर रहा था क्योंकि मेरे साथ इतने बड़े बड़े जिन्होंने अपना जीवन दिया है दलित साहित्य को और उनके संघर्षों को, पर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं दो तीन बातें कहूँगा क्योंकि बहुत देर हो रही है और ज़्यादा कहने की बहुत बातें हो चुकी हैं। ये कि विकास की बात हो रही है, हम दलित साहित्य की बात कर रहे हैं और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक ही शब्द कहना होगा कि अगर भारत के देश अगर भारत में गैर बराबरी और अन्याय का इतिहास पढ़ना है तो दलित साहित्य पढ़िए, क्योंकि और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको अमर्त्य सेन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जॉन डेविस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, दलित साहित्य पढ़ लीजिए। अब पिछले 50-60 सालों में जो लिखा गया है वो जूठन हो या फिर बामा की तमिल में लिखी हुई हो या फिर आप महाराष्ट्र या कहीं भी चले जाइए, जो दलित साहित्य है वो यही बातें कहता है, देश में गैर बराबरी और अन्याय का इतिहास पूरे सामने रखा हुआ है। आज फिर से विकास के नाम पर एक घोटाला होने वाला है, गुजरात का चुनाव आने वाला है। पिछले तीन सालों की दो तीन घटनाएं हैं छोटी सी जो आपके सामने रखना चाहूंगा और बस हम बहुत अच्छे तरीके से बताया क्या हो रहा है, लेकिन हमें दलित आंदोलन में जो बदलाव आ रहा है और जो बातें बिल्कुल अलग हो रही हैं उसको भी हमको समझने की जरूरत है। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट मुद्दा है। पिछले साल का HRDC एक संस्था है गुजरात में सेंट जेवियर्स कॉलेज के अंदर, उन्होंने एक स्वीपर के कोर्स के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला और उन्होंने लिखा कि इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा और जितने ऊंची जाति के लोग हैं और खास करके नाम लिख करके उन्होंने कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय इन सबको इंकरेज किया जाता है कि वो अप्लाई करें, ये कहा और इसके ऊपर जो बवाल खड़ा हुआ, मुझे लगता है यह बताता है कि जब हम चार वर्णों की बात कर रहे हैं और हम महाभारत तक जाने की जरूरत नहीं है आज की व्यवस्था में कि वो डी और ई और एफ जो होगा वो कौन सी जाति है, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि हमें पीछे तक जाने की जरूरत है, खासकर युवाओं के लिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद आप जो पुरानी मनोभाव और उसकी बात होती है तो आप शायद ना समझ पाए, लेकिन आज की तारीख में कि स्वीपर के लिए अगर ये ऐसा एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है तो अपमानजनक होगा। दूसरा, ऊना में दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ और उसके बाद जिग्नेश मेवानी और साथियों ने मिलकर के जो ऊना निवारण समिति बनाई उन्होंने कह दिया और उनका जो स्लोगन था कि गाय की पूंछ तुम रख लो और हमें जमीन दे दो, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि गाय की पूंछ तुम रख लो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी माता है तुम रख लो, हमको जमीन चाहिए और इस जमीन के लिए हमें जो चाहिए वो हम करेंगे। और तीसरा, जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं और जिसका जिक्र हुआ बार बार कि वही जो लोग कह रहे हैं, जो मंतव्य पत्रिका निकाल रहे हैं या जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उनके साथ क्या होगा, वह है वाक्य सहारनपुर में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर का, एक महीने के अंदर जो जेल में गए हैं और कल उनकी तस्वीर आई है कि वो सहारनपुर के अस्पताल में पड़े, तो एक महीने के अंदर जेल में जो उनके साथ हो रहा है और भीम आर्मी ने जो काम किया, मुझे लगता है कि वो हमें आज की राजनीति में जो हलचल मची है उसको समझने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं उससे बहन जी भी डर रही है, बहन भी डर रही है क्योंकि उनके आधार को उन्होंने चुनौती दिया है और जब 2015 में उन्होंने कह दिया कि द ग्रेट समारोह धारपुरी वेलकम्स यू, उन्होंने अपने गांव का नाम लिखते हुए बोर्ड लगा दिया द ग्रेट समारोह धारपुरी वेलकम्स यू, तो एक आइडेंटिटी का भी सवाल है कि असर्ट कर रहे हैं, बट साथ ही साथ उन्होंने सिर्फ आइडेंटिटी नहीं, उन्होंने अब कहा कि पहचान और अस्मिता ही काफी नहीं है, जीने और जीविका का भी हक देना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं भीम आर्मी का मुझे लगता है कि आज वो जेल में बैठे हैं, तो वैसे भी जितने भी बुद्धिजीवी हैं हमारे जो लेखक संघ हैं, हम सबका फर्ज बनता है कि अपने अपने माध्यम से स्टेटमेंट हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, सरकार को एक चेतावनी देनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाजवादी पार्टी को एक सीट नहीं मिलता है तो बहुत खुशी मनाते हैं, वो खुशी मनाते हैं भले रात हमारे बहन जी से मतभेद हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो सोचते हैं कि दलितों को उन्होंने अपनी जेब में कर लिया, तो ये जेब नहीं कर सकते और नहीं करने देंगे, ये हमको उस बात का जिक्र करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे दौर में लेखक संघों का बुद्धिजीवियों का हक
और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। आखिरी बात, मोदी जी विकास के नाम पर पूरे देश में औद्योगिक गलियारे, सागरमाला, भारतमाला, रोज नई नई मालाएं लड़ रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें लगता होगा कि जो आंदोलन और मेरे हम इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जल जंगल और जमीन की लड़ाई में हम बहुत आगे बढ़े, फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, रोज मुकदमे होते हैं, डंडे बरसते हैं, लेकिन ये सिर्फ चंद किसानों और उनका आंदोलन नहीं है। मैं कहता हूं उसमें जितने भी और हमारे साथियों ने जोड़ा कि दलित सिर्फ वही नहीं है, जो भी समाज व्यवस्था में लड़ रहा है, जो पिछड़ा हुआ है, दलित है, मुस्लिम है, आदिवासी है, या छोटा मजदूर भी है, वो भी इस व्यवस्था का शिकार है। तो विकास के नाम पर अगर जिनके पास जमीन नहीं है, वो हमारा सबसे बड़ा तबका, हमारा समाज है, तो उसके लिए हमको लगता है कि दलित आंदोलन को हमने इन आंदोलनों में भी शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि आज की कोई भी जल जंगल जमीन गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, लेकिन जो जंगल है, जंगल में कौन आश्रित है, जो नदी है उसमें कौन आश्रित है, ये सब कॉर्पोरेट घरानों को दिया जा रहा है। अडानी अंबानी इसके दो दोतक है, लेकिन पूरे छोटे से छोटा व्यापारी और बड़ा से बड़ा व्यापारी भी उसको लेने के होड़ में पड़ा है। जमीन की खरीद बिक्री हो रही है और हम पीछे रह जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस आंदोलन में भी हमको उतना ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा, और उसमें लेखक समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं मानता हूँ जो प्रोफेसर हैं और ये हैं संजीव भाई और हम लोग ये काम करते हैं, कहीं पुलिस फायरिंग होती है, हम कोशिश करते हैं कि हमें कोई एक व्यक्ति मिल जाए, एक जिनका नाम है, वो चले हमारे साथ और कहें कि सरकार ने यहाँ पे चार लोगों को गोली मारी। तो फैक्ट फाइंडिंग मिशन हो, लिखने का काम हो, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। मैं आग्रह करता हूँ आइए जुड़िए हम सबसे, इस आंदोलन में भी साथ निभाइए, तो हम साथ मिलकर चले, नहीं तो लेखक लेखक होगा, एक्टिविस्ट एक्टिविस्ट होगा, हम सब एक्टिविस्ट हैं, सब लेखक हैं, तो साथ चले। धन्यवाद आप लोगों ने।